नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका की जीत हुई थी और जापान को बहुत नुकसान हुआ था। इसी के साथ यूरोप और एशिया को भी बहुत नुकसान हुआ था और उस समय अमेरिकन कंपनीज का हर जगह बोलाबाला था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहा था, वहीं पर जापान कुछ और ही सोच रहा था। जापान की इकोनॉमी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं थी और इससे भी ज्यादा पूरी दुनिया में जापान की रेपुटेशन थी कि वो चीप और बेकार प्रोडक्ट्स बनाता है। उनकी कस्टमर सर्विस भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन इतनी सारी डिफिकल्टीज के अलावा जैपनीज लीडर रेडी थे चेंज के लिए। तब जैपनीज ने हायर किया उस समय के फेमस स्टैटिस्टिशियन को, जो यूएस आर्मी के क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर थे और उनका नाम था डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। डेमिंग का जैपनीज को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था, अगर आपको अपने एरिया में ऊंचाई पर जाना है तो अमेरिकन कंपनीज के एग्जिस्टिंग मॉडल को कॉपी मत करो, बल्कि आप एक न्यू सिस्टम वाली कंपनी बनाओ जिसमें कंपनी 3 एरियाज में मेहनत करे, जैसे एम्प्लॉय एनवॉल्वमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इसी सोच के वजह से जापान टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में लीडर बन गया। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है द लीडर इन यू और इसको लिखा है डेल कार्नेगी ने। आज हम जानेंगे कि परफेक्ट लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। 21st सेंचुरी बदलाव का युग है। बहुत ही कम समय में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे हम इंफॉर्मेशन एज में चले गए हैं। मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है, माइक्रोचिप के इन्वेंशन ने ह्यूमन ब्रेन की जगह ले ली है और फाइबर ऑप्टिक्स ने कम्युनिकेशन की जगह ले ली है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने स्टूडेंट पर सर्वे किया तो पाया कि वहां पर ज्यादातर ब्राइट स्टूडेंट्स कुछ एरिया में तो बहुत ही अच्छे थे, जैसे मार्केट एनालिसिस करना, बिजनेस प्लान्स बनाना या फिर किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करना। पर एक जगह थी जहां पर उन सबके अंदर कमी थी और वो थी ह्यूमन रिलेशंस स्किल में। चाहे कितनी ही डेवलपमेंट क्यों ना हो जाए, हमें इंसानों से तो डील करनी ही पड़ेगी, चाहे वो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो या मोबाइल से करें। एक समय हुआ करता था जब बॉस सिर्फ ऑर्डर देता था और सारे काम हो जाते थे। मैनेजमेंट के लोग ज्यादातर ऑफिस में ही बैठकर वहां से हर चीज को मैनेज करते थे। वो इसलिए पॉसिबल हो पाता था क्योंकि पहले मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर इंसिडेंट्स पहले से ही प्रिडिक्टेबल होते थे। पर आज के वक्त में सब कुछ वॉलेटाइल है, अनप्रिडिक्टेबल है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से सब कुछ की रिटेंशन पीरियड काफी कम हो गई है और यहीं पर एक परफेक्ट लीडर की जरूरत होती है जिसका फ्यूचर विजन क्लियर हो बेस्ड ऑन जो भी रुकावटें आए, जो कि अपनी टीम को एनकरेज और गाइड करे और सबसे ज्यादा एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखे। सो इसके लिए राइटर 5 स्टेप्स बताते हैं। कम्युनिकेशन। हो सकता है हम हमेशा अपने काम में बहुत ही बिजी रहते हो, फिर भी लोगों से कम्युनिकेशन के लिए तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। लीडर को ऐसा एनवायरमेंट और सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर हर कोई अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सके। मोटिवेटिंग पीपल। किसी भी कंपनी के प्रेसिडेंट को या उस कंपनी के ड्राइवर को सबको अपने काम की प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है। कई बार देखा गया है कि ज्यादा सैलरी देने के बाद भी लोग मोटिवेटेड नहीं होते। राइटर कहते हैं कि मोटिवेशन दो तरीके से आता है, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करने से और उनके द्वारा किया गया कोई भी काम को कंपनी के ग्रोथ के लिए रिकॉग्नाइज करने पर और समय समय पर स्टार परफॉर्मेंस के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम लाने पर। लर्न टू लिसन। किसी भी लीडर को बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए, यानी एक्टिव लिसनिंग की एबिलिटी को डेवलप करनी चाहिए। देखिए, एक्टिव लिसनिंग के 2 बेनिफिट्स हैं। सुनने से आप कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखेंगे और हर इंसान उसी इंसान के पास जाता है जो उसकी बात ध्यान से सुनता है। गोल सेटिंग। एक लीडर को परफेक्ट गोल सेटिंग करनी आनी चाहिए। गोल सेटिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। गोल सेटिंग के लिए हमें स्मार्ट टेक्निक यूज करनी चाहिए। स्मार्ट टेक्निक को डिटेल में समझना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हैंडलिंग मिस्टेक्स, कॉम्प्लेंस एंड क्रिटिसिज्म। एक लीडर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है कि अपने टीम मेंबर्स के मिस्टेक को कैसे डील करें।
देखिए यहाँ तो सब जानते हैं कि मिस्टेक्स तो सबसे होती है। राइटर यहाँ पर इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए 2 स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी मिस्टेक को टीम के सामने खुद ही एक्सेप्ट करो। इससे टीम में कॉन्फिडेंस आएगी, जिससे भी कोई भी टीम मेंबर अगर फ्यूचर में गलती करेगा तो वो अपनी गलती को जरूर एक्सेप्ट करेगा आपके सामने। और जनरली कोई भी इंसान ऑफिस में काम नहीं करने के लिए तो नहीं आता, इसलिए किसी भी गलती के लिए हमें उसको क्रिटिसाइज करने के बदले एक्चुअल प्रॉब्लम के रूट पे जाना होगा और उसको सॉल्व करके उसको जड़ से खत्म करनी होगी। चार्ल्स कॉप, जो कि अमेरिकन स्टील मैग्नेट थे, एक बार अपने स्टील प्लांट में वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, पर उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। कंपनी के सीनियर मोस्ट पर्सन होने के वजह से उनके लिए बहुत ही आसान था कि उनके पास जाएं और बोलें कि अपने नो स्मोकिंग का बोर्ड नहीं देखा है, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उनके पास गए और वहां जाकर अपने सिगरेट बॉक्स में से सिगरेट निकालकर उनको बोला कि क्या आप सिगरेट लेंगे, पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिगरेट बाहर जाके पिए। उनको समझ में आ गया और वो वहां से चले गए। फाइनली चार्ल्स कॉप से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपको इतनी सैलरी क्यों मिलती है? तब थोड़ा सहम कर उन्होंने जवाब दिया, मुझे इंसानों को डील करने के लिए इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है। और इस वीडियो के एंड में मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस मिलती है वो हमें 15% ही हमारे टेक्निकल नॉलेज की वजह से मिलती है। बाकी 85% योगदान होता है हमारे ह्यूमन रिलेशंस और इंसानों को मैनेज करने की स्किल्स पर। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इसी तरह की बुक समरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, नहीं तो आप हमारे फ्यूचर के वीडियोस को मिस कर देंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो 6 सितंबर को आएगा। टिल देन थैंक्स फॉर पेशेंस।